हेलो एवरीवन, दिस इज सुप्रिया एंड आप मेरे हाथ में एक पैकेट देख रहे हैं। काफ़ी वेट के बाद फाइनली आई गॉट दिस प्रोडक्ट। ये है टॉम्बो मोनो ज़ीरो इरेजर 2.3 राउंड। ये अब आपको अवेलेबल हो जाएगा, अमेज़ोन या फ्लिपकार्ट से आप इसे मंगवा सकते हैं। मैंने इन दोनों को बाई किया है 350 में और 65 रुपीज़ डिलीवरी चार्ज एक्स्ट्रा मैंने पे किया है, तो टोटल मुझे लग गया 415। तो चलिए आज हम बात करेंगे कि ये क्या है और ये किसे किस तरीके से यूज़ करते हैं, इसकी रीफिलिंग कैसे की जाएगी और ये किस तरीके से हम ड्राइंग में यूज़ करेंगे। तो ये कुछ इस तरीके से पैक होकर आया। अब आप देखेंगे इसका फर्स्ट लुक। आप लोग इसे काफ़ी देख चुके होंगे बाकी सारी वीडियोस पे, बट मैंने इसे आज मंगवाया है तो मैं इसे आज अपने तरीके से आपको बता रही हूँ। काफ़ी सारे लोग अभी भी हैं जिसे इसके बारे में अभी तक पता नहीं है, तो आप देख सकते हैं। ये एक प्लास्टिक बॉडी में इस तरीके से मेड होता है, मतलब ये काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल प्रोडक्ट है कोई भी एक आर्टिस्ट या कोई भी बिगनर के लिए जो कि ग्रेफाइट और चारकोल में वर्क करते हैं। ये काफ़ी ज़्यादा स्मूथ और काफ़ी ज़्यादा मतलब पॉइंटली लीड्स होते हैं, इरेज करने के लिए काफ़ी हेल्पफुल है ये। आप इससे काफ़ी फाइन डिटेलिंग कर सकते हैं। तो ये कुछ इस तरीके से आप बिल्कुल मैकेनिकल पेंसिल जैसे हैं उस तरीके से ही आप इसकी रिफ़िल बाहर निकालेंगे। और ये जो मुझे इरेज़र मिला ये इस तरीके से पैक होकर आया। ये इतना ज़्यादा फाइन होता है ना कि इसे जो पैकेजिंग होती है वो एक छोटे से प्लास्टिक बॉटल में होता है। इसके अंदर मुझे 2 लीड्स मिले हैं। ये देखिए कितनी पतली होती है इसकी रिफ़िल्स। अब हम देखते हैं कि इसकी रीफिलिंग कैसे करेंगे। तो रीफिलिंग करने के लिए आप क्या करोगे ना, इस पेन को इस तरीके से प्रेस करके उसकी जो रीफिल है आप उसको बाहर निकाल लीजिए पूरा, और उसी तरीके से उसके लास्ट वाले पार्ट को प्रेस किए रहिए इस तरीके से, और फिर उसकी जो रीफिल है आप उसके अंदर अंदर डाल सकते हैं। बिल्कुल ईजी है ये, कोई भी बहुत बड़ी मैकेनिक्स नहीं लगी है इसमें। और ये फिर हो गया रेडी टू यूज़। मतलब ये इतनी अच्छी प्रोडक्ट है, मैं तो बिल्कुल प्रेफर करूँगी कि आप इसे ज़रूर बाय करें। अब हम देखते हैं कि ये मेरे कुछ पेंसिल्स के वर्क हैं। आप देख सकते हैं कि मैं किस तरीके से इस पे यूज़ करूँगी, और इतने डार्क शेडिंग को भी ये बिल्कुल ईजिली और काफ़ी फाइन डिटेलिंग के साथ इरेज कर देता है। ये देखिए किस तरीके से मैं इसको इरेज कर रही हूँ और कितनी फाइन डिटेलिंग के साथ इसको इरेज कर रहा है। आप देख सकते हैं कितना अच्छा रिजल्ट आता है। आप नीडेड इरेजर की हेल्प से भी यूज़ कर सकते थे, बट उसमें इस तरीके से फाइन डिटेलिंग्स नहीं आती हैं। ये देखिए कितना अच्छे से आप इस पर लाइन्स वगैरह भी इरेज कर सकते हैं, अगर आप आइज़ वगैरह ड्रॉ कर रहे हैं या आप हेयर्स ड्रॉ कर रहे हैं तो जहाँ पे आपको लाइट इफेक्ट डालना है वहाँ के लिए ये बेस्ट प्रोडक्ट है। ये कितनी अच्छे से ये इरेज हो रही है। ये अगर जैसे इरेज करने से ना थोड़ा सा ये अगर आप डर्टी हो गया तो आप इसे हाथ में या फिर किसी भी कपड़े में या टिश्यू पेपर की हेल्प से इसे साफ कर लीजिए। इजीली रिमूवेबल है और काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है। अब देखिए कि मैं एक 2B पेंसिल की हेल्प से एक लाइन्स मतलब एक शेड कर रही हूँ, और फिर उसको इरेज करके देखेंगे कि वो कितना ईजिली और कितना इफ़ेक्टिव है। ये बिल्कुल लाइट प्रेशर से मैंने इसे इरेज किया और आप देखेंगे कि कितना ईजिली बिल्कुल एक फाइन इरेजर की तरह से इरेज हो चुका है। अब मैं यूज़ करूँगी आर्ट लाइन की 8B पेंसिल, उससे भी हम एक छोटा सा पार्ट शेड करके उसको इरेज करके देखेंगे। ये इसे भी काफ़ी अच्छे तरीके से इरेज कर लेता है, बस वही है कि ये थोड़ा सा डार्क शेड है तो आप इसके ऊपर डबल बार इरेज कर लीजिए, या फिर आप थोड़ा सा प्रेशर अप्लाई करके भी इसको यूज़ कर सकते हैं। दिस इज़ द ऑसम प्रोडक्ट। अगर आप लोगों ने अभी तक इसे नहीं ख़रीदा है तो
मैं तो बिल्कुल बोलूँगी कि आप इसे जाएं और ख़रीदें। इसका ज़्यादा रेट भी नहीं है। आपको ये सिर्फ अगर आप सिंगल एक लीड्स या पेन लेते हैं तो आपको ये 250 का पड़ेगा, और आप एक्स्ट्रा लीड्स के साथ लोगे तो 350 में ऑलमोस्ट आपको मिल जाएगा। बड़े सारे ऑप्शन हैं अमेज़ोन और फ्लिपकार्ट, आप जाकर देख सकते हैं। मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी डाल दूंगी, अगर आप चाहें तो वहाँ से भी देख सकते हैं। कैसी लगी आज की वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। बाय बाय।